हाय लोग, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक और डेथ गॉड के आगे के एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ, जो कि उसी क्रिटिकल मोमेंट से शुरू होती है जहाँ पर कि हम सभी ने इसे खत्म किया था। तो अब मजा आने वाला है, पर अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बोर नहीं करेगी। बाकी चलिए शुरू करते हैं, काफी सारी बातें हो गई। हम देखते हैं वह बैगर पहाड़ी से गिरने के बाद जब खुद को संभाल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर झाड़ियों में छिपे हुए चू और मास्टर पर पड़ती है। इस कारण से वह चिल्लाने ही वाला होता है, तभी मास्टर तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके गले पर रख देता है। वहीं चू उसे चुप रहने के लिए इशारा करता है और मास्टर उसे बताते हुए कहता है, कोई भी बेवकूफी से भरे काम को मत करना, अगर तुम अपने सर को धर से अलग करवाना नहीं चाहते तो। जो सुनता हुआ वह बैगर बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ ब्लैक स्टाफ की ओर देखते हैं, जहाँ पर के कुछ भिखारी खुदे हुए कब्रों को देखते हुए कहते हैं, वह हराम खोर कहीं का, कोई इतना इविल कैसे हो सकता है। यह देखते हुए कि वह कब्रों को किस तरह खोद रहा है, जिसको कि मरे हुए के लिए आराम करने की जगह मानी जाती है, नॉर्क में जरूर उसे तड़पाया जाएगा, पर उसने इस लाश के चेहरे को नहीं निकाला। क्या वह गिल्टी महसूस कर रहा था या फिर कुछ और बात है? तो दूसरा कोई भिखारी बोलता है, शायद हो सकता है कि उसे इसके कंडीशन पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि यह लाश कुछ ही दिन पहले मरी हुई लगती है, इसी कारण से इसकी स्किन वह करी हो चुकी है, जो कि हो सकता है इंसानी मुखौटे के लिए ठीक ना हो। तभी और भी कई सारे भिखारी दूसरे खुदे हुए कब्रों में देखते हुए कहते हैं, यहाँ की लाशों के भी चेहरे को नहीं निकाला गया है। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ कहता है, यहाँ पर जो लाशें हैं वह भूख के मारे मारे गए हैं, इस कारण से ऐसा लगता है कि उन सभी की कंडीशन उसके लिए इनफ नहीं था, इसीलिए इस कारण से उसने कुछ कब्रों को खोदा और फिर हार मानकर यहाँ से चला गया। जिस पर कि यह एक आंख वाला भिखारी वह बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ब्लैक स्टाफ वहाँ से जाते हुए उन सभी को चिल्लाते हुए कहता है, हम सभी च्योनमन माउंटेन में जा रहे हैं, ब्रांच लीडर को सिग्नल भेजो और उनसे कहो कि पूरे पहाड़ी को घेर ले, ताकि वहाँ से एक चींटी भी बाहर ना निकल पाए। एक भिखारी जिसको कि सुन कहता है, एल्डर मुझे माफ करिएगा, लेकिन हम लोग सिग्नल फ्लेयर को साथ लाना भूल गए। जिस पर कि ब्लैक स्टाफ वह बोलता है, आखिर तुम इस तरह की गलती कैसे कर सकते हो? तो एक आंख वाला भिखारी वह आगे जाते हुए कहता है, ठीक है तो मैं पहले जाता हूँ उन लोगों को बताने के लिए, बाकी सूरज ढल रहा है तो आप लोग जल्दी करिए। जबकि इधर ब्रांच लीडर की ओर देखते हैं, जहाँ पर कि पहाड़ी से गिरे हुए बंदे को अभी तक ऊपर न आता हुआ देख एक भिखारी उसे चिल्लाते हुए कहता है, गांगो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें चोट लग गई है या फिर तुम मर चुके हो? आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मास्टर जिस पर उससे बोलता है, जल्दी जवाब दो, लेकिन बेहतर होगा कि कुछ भी बेवकूफी मत करना। तो बंदा घबराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। जिस पर कि उसका साथी बोलता है, फिर तुम वापस ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो? जो सुन वह बंदा थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि अब क्या बोले। तो दूसरी तरफ उसका साथी भी कंफ्यूज होता है कि वह इस तरह जवाब क्यों दे रहा है। उसी समय चू अपने पैरों से चप्पल को निकालते हुए उस बंदे को उसे दिखाते हुए कुछ इशारा करता है, इस कारण से वह बंदा अपने साथियों को रिप्लाई देते हुए कहता है, गिरने के बाद मैंने अपने जूतों को खो दिया है और मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। तो उसका साथी उससे बोलता है, ठीक है तो जल्दी ऊपर आओ। लेकिन इधर ब्रांच लीडर वह बोर होते हुए कहता है, अरे यार बहुत हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। जिस पर कि दूसरे भिखारी बोलते हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अगर एल्डर हमें सिग्नल भेजते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ब्रांच लीडर उन सभी को बताता है, हम नैनियांग वापस जा रहे हैं, और रही बात सिग्नल की तो वह बंदा है ना यहाँ पर जो कि अपने जूतों को ढूंढ रहा है, उसे बोलो यहीं पर रुकने के लिए। जो सुन वे सभी वहाँ से जाते हुए उस बंदे से बोलते हैं, ठीक है तो हम लोग नैनियांग वापस जा रहे हैं, अगर एल्डर से तुम्हें कोई सिग्नल मिलता है तो हमारे पास जल्दी आ जाना, क्या तुम समझ गए? हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। जिस पर कि यह बंदा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या करे, वह तो बुरी तरह से फंस चुका है। इसी कारण से वह जैसे ही उन लोगों को चिल्लाकर बताने वाला होता है, नहीं मत जाओ यहाँ पर दुश्मन है, उसी समय मास्टर उसके गले को तुरंत ही हलाल कर देता है, जिसके चलते वह जरा सा भी आवाज बाहर नहीं निकाल पाता। वहीं इन लोगों को इस चीज से थोड़ा सा तो अंदेशा होता है, लेकिन वे लोग देखते हैं उस बंदे को झाड़ियों में घुसा हुआ, तो वे लोग उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाते हुए कहते हैं, हमने यहां पर आकर बस अपना समय ही बर्बाद किया है, चलो दौड़ना शुरू करो। जो सुन वे लोग वहां से जाते हुए कहते हैं, ठीक है सर। जबकि इधर ये लोग उन लोगों के वहां से जाने के बाद चैन की सांस लेता है और बाहर निकल कर देखते हैं, तो वे लोग काफी दूर तक चले गए होते हैं, इस कारण से अब ये लोग सेफ थे। तो मास्टर कहता है, हम तब तक यहां पर रुकेंगे जब तक कि वे लोग यहां से और भी दूर नहीं चले जाते। जिस पर कि चू उससे पूछता है, क्या आप अभी भी इंसानी मुखौटे को बनाएंगे? तो मास्टर उसे बताता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास इसे ना बनाने का कोई भी कारण नहीं है। जिस पर कि चू उससे बोलता है, क्या मैं भी कब्रों में देख सकता हूँ? तो मास्टर उसे बोलता है, क्या तुम में हिम्मत है इसे देखने की? जो सुन चू उससे बताता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी हांगचुंग माउंटेन में आपको ऐसा करते हुए देखा था और मैंने इसे थोड़ा सा सीख भी लिया है। तो मास्टर कहता है, ठीक है तो चलो इसे ट्राई करते हैं। जिसको कि सुन
सुनता हुआ वहाँ से भागते हुए कहता है, मैं पहले जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ समय बाद वहाँ पर एक आंख वाला भिखारी वह पहुँच चुका था इन्फॉर्मेशन को लेकर। लेकिन जब वह उस जगह को देखता है तो उस कब्रिस्तान में उसके अलावा और कोई भी नहीं होता, बाकी के सभी लोग ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे। इस कारण से वह काफी हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार वे लोग गए कहाँ। इतना बोलते हुए वह दोबारा अपने घोड़े को घुमाता है और वापस वहाँ से उन लोगों की तलाश में वहाँ से चला जाता है। इधर मास्टर चूको बता रहा होता है, हम सबसे गंदी गंध को फॉलो करेंगे क्योंकि उसे ज्यादा समय नहीं हुआ होगा मरा हुआ। तो चू एक कब्र के सामने आते हुए कहता है, क्या आप इसकी बात कर रहे थे। तो मास्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। जिस पर कि चू उसे बताता है, लेकिन यह कब्र बहुत बड़ी है, इसे खोदने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैं भी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मास्टर जिसको सुनो से बताता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम बिना उन्हें खोदे भी अंदर जा सकते हैं। जिस पर कि चू वह तो कुछ भी नहीं समझ पाता। पर कुछ ही समय बाद हम देखते हैं उन लोगों को उस बड़े से कब्र के सामने वाले पत्थर को हटाते हुए वहाँ के एक सीक्रेट दरवाजे को खोल देते हैं और फिर उसके अंदर देखते हुए एक मशाल को जलाकर दोनों ही बारी बारी अंदर चले जाते हैं। और अपने आसपास के एरिया को देखते हुए वे लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसके अंदर महल से भी ज्यादा खूबसूरत एक कमरा होता है जिसके के अंदर लाश को रखा गया था। सीन चेंज होता है और हम ब्रांच लीडर की ओर देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में दौड़ते हुए नन्यांग के लिए जा रहे होते हैं। तभी उन लोगों को पीछे से कोई रुकने के लिए आवाज लगाता है, जो सुनता हुआ ब्रांच लीडर के साथ बाकी के बैगर जब अपने पीछे देखते हैं तो वहां से एक आंख वाला बैगर वह आ रहा था और ब्रांच लीडर के पास पहुंचकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम जा कहां रहे हो। तो ब्रांच लीडर उसे बताता है, हम क्रिमसन असासिन को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वह एक आंख वाला बैगर जो सुन उसे बताता है, क्या तुम भूल गए हो कि एल्डर ने तुमको चुनवियन माउंटेन में वेट करने के लिए बोला था और उसे प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। तो ब्रांच लीडर उसे बताता है, क्या ही बवासीर है, आखिरकार हम क्यों एल्डर के गलत ऑर्डरों को सुनकर क्रिमसन असासिन को पकड़ने के अपने मौके को खो रहे हैं, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर कि वह एक आंख वाला भिखारी उससे बोलता है, क्रिमसन असासिन को एक्सटर्मिनेट करने की जिम्मेदारी वह एल्डर का है, तुम्हारे इसमें क्या करना है डिसाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सुन ब्रांच लीडर कहता है, लेकिन तो वह बंदा उसे चुप कराते हुए बोलता है, बोल जाओ अभी बात करने का समय नहीं है, कौन गलत है और कौन सही है, अभी फिलहाल के लिए तुरंत चुनमियन माउंटेन पर वापस जाओ। ब्रांच लीडर जो सुनता हुआ ना चाहते हुए भी अपने सभी साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, ठीक है तो हम लोग वापस चुनमियन माउंटेन पर लौट रहे हैं। आगे वह एक आंख वाला बंदा ब्रांच लीडर से बोलता है, मैं केवल यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं वास्तव में इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, तुमने आखिरकार किसी को भी अपने पीछे क्यों नहीं छोड़ा। तो ब्रांच लीडर उसे बताता है, मैंने एक आदमी को पीछे छोड़ा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ। जिस पर कि यह बंदा उसे बताता है, मैं अभी अभी चुनमियन माउंटेन में गया था, वहाँ पर कोई भी नहीं है। जो सुन ब्रांच लीडर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ मास्टर को देखते हैं जो कि उस रूम में रखे हुए लाश के चेहरे को उखाड़ रहा होता है। वहीं जो बिना एक बार अपने आंख को झपकाए बड़े गौर से उसे देख रहा होता है तो मास्टर उसे बोलता है, यह बहुत घिनौना है, सही कहा ना। तो जो उसे बताता है, हाँ यह तो है। जिस पर कि मास्टर बोलता है, फिर तुम इसे इतने गौर से कैसे देख सकते हो। तो जो उसे बताता है, क्या यह कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे सीखना है, मैं बस यह सीखने की कोशिश कर रहा हूँ स्किन को बिना डैमेज किए। जो सुनता हुआ मास्टर के पास तो कोई शब्द ही नहीं होता है कि वह अब क्या बोले। तभी उन लोगों को जमीन के नीचे ऊपर से कुछ वाइब्रेशन महसूस होती है। इस कारण से मास्टर और चू दोनों ही हैरान होते हैं। बाद में जब मास्टर उस जगह से बाहर निकलकर अपने सामने देखता है तो एक भिखारी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लीडर यह यहाँ पर है, हमें क्वांग मिल चुका है। जो सुन ब्रांच लीडर तुरंत ही भागते हुए कहता है, कहाँ पर है वो। इतना बोलते हुए जब वह उस बंदे के पास जाकर देखता है तो उसे पहले मरा हुआ भिखारी दिखाई देता है। इस कारण से वह बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए कहता है, यह सब मेरी गलती है, मैंने ही इसे मारा है। तो ब्लैक स्टाफ उसे बताता है, माओ क्या अब तुम्हें समझ आया, अगर तुम लापरवाही से काम करते हो तो क्या हो सकता है। पर खैर इस डिसेबल का दुर्भाग्य यहाँ मरना था तो यह कन्फर्म करता है कि क्रिमसन असासिन वह यहीं पर है, इसलिए चलो अब हम उसकी मौत को बर्बाद नहीं जाने देंगे। बाकी ब्रांच लीडर उठो और तुरंत ही यानिन माउंटेन को पूरी तरह से घेर लो, हम उसे यहाँ से बिल्कुल भी निकलने नहीं दे सकते। पर जब ब्रांच लीडर वह कुछ भी ना बोलता हुआ उसे मरे हुए डिसेबल के पास बैठा होता है तो उसे देखते हुए ब्लैक स्टाफ उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ तुम कब तक वहीं पर बैठे रहोगे, क्या मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। जो सुनता हुआ ब्रांच लीडर तुरंत ही अपने सेंस में आते हुए बोलता है, ओह हाँ ठीक है, हम आपके ऑर्डरों को पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ब्लैक स्टाफ वहाँ से जाते हुए कहता है, सभी मसालों को बुझा दो और बाई चांस वह यहाँ से किसी भी तरह से पहले ही निकल चुका है तो लूसान डोंग चैंग गो चैंग हबली और वांग्यान के सभी डिसेबलों को पूरे एरिया को क्लोज करने के लिए बोलो। इसी के साथ वे सभी
सभी डिसाइबल उस माउंटेन को पूरी तरह से घेरना शुरू कर देते हैं। वहीं ब्रांच लीडर बोल रहा होता है, एक टीम पहाड़ को चारों तरफ से घेरो जबकि दूसरा टीम माउंटेन के अंदर जाकर खोजो। याद रखना, तुम्हारा टारगेट असासिन है जो कि अपने भेष बदलने में बहुत ही तेज है। हर एक एरिया को बार बार चेक करना। हम देखते हैं उन लोगों ने पूरे माउंटेन को चारों तरफ से घेर लिया होता है, साथ ही माउंटेन के अंदर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसको कि दूर से देखता हुआ मास्टर काफी ही ज्यादा परेशान होता है। तभी उसके पास जो आते हुए कहता है मास्टर, तो मास्टर उसे बताता है यह मेरी गलती है, मैंने कभी भी इस फैक्ट को ध्यान में नहीं रखा कि वे लोग वापस आ सकते हैं। जो सुन चू वापस उस कब्र के अंदर जाते हुए बोलता है, मैं अपने सामान को अभी बाहर लाता हूँ। तो मास्टर उसे रोकते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनके मसालों की संख्या को देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने पूरे पहाड़ को घेर लिया है, हम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जिस पर कि चू बोलता है, तो अब हम क्या करें। मास्टर बताता है वापस अंदर जाओ। जो सुन चू कुछ सोच पाता उससे पहले ही मास्टर उसे अंदर धकेल देता है और खुद भी उस कब्र के अंदर जाते हुए कहता है, अगर बाहर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो हमें अंदर और गहराई में जाना होगा। इसी के साथ वह बड़ी मेहनत से उस कब्र के दरवाजे को अकेला ही बंद करने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। लेकिन फिर भी वह किसी तरह उस कब्र के दरवाजे को बंद करने में कामयाब रहता है और उस कब्र को पहले के जैसा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सारे भिखारी वो लगभग उस जगह तक पहुंच ही चुके होते हैं और अपनी जी जान लगाकर क्रिमसन असासिन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके पास ब्लैक स्टाफ आकर बोलता है, ब्रांच लीडर क्या तुम्हें अभी तक कुछ मिला है। तो ब्रांच लीडर उसे बताता है, नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह हमसे बचकर नहीं भागा है, हम इंच इंच पर उसे ढूंढ रहे हैं जैसे कि कोई सुई को तलाश कर रहा हो। वैसे यहाँ की कब्रें बहुत बड़ी बड़ी है, शायद इसीलिए यह इतना फेमस कब्रिस्तान है। सभी अमीरों ने यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाई है कि मानो वे सभी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ वह बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, यह कब्रें न केवल मरे हुए लोगों को बल्कि जिंदा लोगों को भी फिट करने के लिए काफी बड़ा है। तभी ब्रांच लीडर को कुछ समझ आता है तो वह तुरंत ही उस जगह से आगे की ओर भागते हुए कहता है, एल्डर हमें फिर से खोज शुरू करना होगा। तो ब्लैक स्टाफ वह बोलता है, लेकिन इस माउंटेन में सैकड़ों कब्रें हैं, क्या तुम श्योर हो उन सभी को खोद पाओगे। ब्रांच लीडर उसे बताता है, अगर यहाँ पर हजारों होते ना तब भी मैं ऐसा करता। ब्लैक स्टाफ जो सुन कहता है, मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम खुद पर पकड़ बना ली है। हालांकि एक ऐसा असासिन जो कि इंसानी मास्क बनाने में बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज है तो वह सड़ी हुई लाश का कभी भी उपयोग नहीं करेगा। तो सुडोंग, जिस पर के उसके आगे खड़ा एक बंदा बोलता है, हाँ एल्डर बताइए। जो सुन ब्लैक स्टाफ उसे बताता है, माउंट टियान इन के सेमेटरी का केयर टेकर मुझे चाहिए। जिसको की सुनते ही वह बंदा तुरंत ही वहां से उसे लेने के लिए काफी स्पीड में निकल जाता है। दूसरी तरफ हम कब्र के अंदर मास्टर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, फेस मास्क के लिए यहाँ आने के बजाय हमें पीछे देखे बिना यहाँ से भाग जाना चाहिए था। अब हमारे पास यहाँ इस कब्र में छुपने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्या यही अंत है, हो सकता है कि यह हमारा आखिरी दिन हो। तभी उसे चू बोलता है, मास्टर क्या आप इस लाश से उसके चेहरे को नहीं उतारने वाले हैं मास्क को बनाने के लिए। जो सुनता हुआ मास्टर चुपचाप उसकी ओर देख रहा होता है तो चू वह कुछ भी नहीं समझ पाता। जिस पर कि मास्टर उसे बताता है, पिछले कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि तुम अपनी उम्र से कहीं अधिक होशियार हो, तो तुम्हें मेरे बताए बिना पता होना चाहिए कि अभी हमारा सिचुएशन वह क्या है। तो चू बताता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है। जो सुन मास्टर उसे बोलता है, फिर क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अब हमें फ्यूचर के लिए इंसानी मास्क का अब कोई आवश्यकता नहीं है। चू जिसको कि सुन उसके सामने सीरियस होते हुए बोलता है, जब मैं हेवनली सेक्ट के हाथों मारे जाने वाला था तो आप वो थे जिसने कि मुझे बचाया था, यहाँ तक कि मैं गंदी नाली का पानी पीने के बाद भी अभी भी जिंदा हूँ। तो अब जब तक कि मौत खुद मेरे सामने आकर प्रकट नहीं हो जाता तब तक यह अंत नहीं है। मास्टर जिस पर कि काफी हैरान होता है बाद में हंसते हुए कहता है, तुम छोटे कीड़े कहीं के, तुम अपने मास्टर से बेहतर हो। इसी के साथ हम जमीन के ऊपर देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों ने उस कब्रिस्तान के केयर टेकर को पकड़ कर ला लिया होता है, जिसके चलते केयर टेकर वह उन लोगों को देखता हुआ बोल रहा होता है, आखिरकार सेंट्रल प्लेन के सभी भिखारी यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या कुछ हुआ है। यह बिल्कुल ही कुत्तों की झुंड की तरह लगता है। जिस पर कि सभी भिखारी उसकी ओर बड़े ही डरावनी लुक के साथ देखते हैं, जिसके चलते उस बंदे की तो पैंट ही गीली हो जाती है। बाद में एक भिखारी उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ। आगे वह उसे ब्लैक स्टाफ के पास ले जाते हुए कहता है, एल्डर मैंने माउंट टियान इन के सेमेटरी का केयर टेकर को लेकर आ चुका हूँ। तो ब्लैक स्टाफ उसे देखते हुए बोलता है, क्या तुमने उसे सिचुएशन के बारे में सारी चीजें बता दिया है। जिस पर कि वह बंदा बोलता है, हाँ मैंने उसे बता दिया है कि हम एक असासिन को ढूंढ रहे हैं। तो ब्लैक स्टाफ उस केयर टेकर से बोलता है, हम उस कब्र के बारे में जानना चाहते हैं जिसका कि हाल ही में अंतिम संस्कार हुआ है। तो वह बंदा उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहां
ले जाता हूँ। आगे वह अलग अलग जगहों पर कब्रों को दिखाते हुए बोलता है, 3 दिन पहले उस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ था और 5 दिन पहले वहाँ अंतिम संस्कार हुआ था, और उस जगह पर जो एक कब्र है उसका 10 दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया था, और इसके बारे में मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने पहले इसका अंतिम संस्कार हुआ था। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ उससे पूछता है, मुझे सबसे पास वाले कब्र के पास ले चलो जहाँ पर कि हाल ही में अंतिम संस्कार किया गया है। तो वह बंदा उसे एक जगह पर ले जाते हुए कहता है, प्लीज उस तरफ चलिए, यह लौजाओ के डिसेंडेंट का कब्र है जिसका कि 3 दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया था, और मैं आप लोगों को बता दूं यह वही कब्र होता है जिसके के अंदर चूहा मास्टर छुपा हुआ है। ब्लैक स्टाम्प बोलता है, क्या यह कोई बूढ़ा आदमी था? तो वह केयरटेकर उसे बताता है, हाँ वह बूढ़ा आदमी था, लेकिन आप उसे देखकर ऐसा नहीं बोल सकते थे कि वह मर चुका है। तो ब्लैक स्टाम्प उस कब्र को देखते हुए कहता है, केयरटेकर मेरी बात को सुनो और शांत होकर मुझे बताओ कि क्या यहाँ अंदर जाने का कोई रास्ता है। तो वह बंदा उसे बताता है, कब्र के नीचे से अंदर जाने का रास्ता है, अगर आपको जाना है तो इस बड़े से पत्थर को हटाना होगा, लेकिन इसे हटाने में 2 या 3 लोग तो लगेंगे ही, इसीलिए चलो मैं तुम्हें दूसरा कब्र दिखाता हूँ। वह माउंटेन के ऊपर है जिस पर कि ब्लैक स्टाफ बोलता है, नहीं रुको, यहाँ की घास वह चपटी है जो कि क्लियर साइन है पत्थर को साइड हटाने की, वह यहीं पर है, इसीलिए वह बाकी के भिखारियों को चिल्लाते हुए कहता है, इस पत्थर को साइड हटाओ, वह इसके अंदर है और बाकी के लोग तैयार रहो, वह हमें सरप्राइज करने के लिए बैठा होगा। जो सुन सभी लोग तैयार हो जाते हैं। बाद में जब उस कब्र के दरवाजे को खोला जाता है तो ब्रांच लीडर उसके अंदर देखते हुए कहता है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तो एक बंदा उसकी ओर स्वॉर्ड को फेंकते हुए कहता है ब्रांच लीडर, जिस पर कि ब्रांच लीडर उस स्वॉर्ड को लेते हुए अंदर की ओर बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। आगे जब संभालते हुए वह पूरी तरह से अंदर जाकर देखता है तो किसी कारण से वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही बाहर की ओर ब्लैक स्टाफ को आवाज लगाते हुए कहता है, एल्डर मुझे लगता है कि आपको अंदर आकर इसे देखना चाहिए। ब्लैक स्टाफ जिसको कि सुनते हुए अंदर आते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ है, क्या वह नकली ब्लेड किलर निकला है? इतना बोलते हुए वह जैसे ही अपने सामने देखता है तो वहाँ पर वह कब्र टूटी हुई थी और चारों तरफ कई बड़े बड़े होल बना हुआ था, जिसको कि देखता हुआ ब्लैक स्टाफ बोलता है, क्या वह यहाँ से इस होल को खोदकर भाग चुका है? लगता है कि वह जीने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहा है। तो ब्रांच लीडर वह बोलता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उसने आखिरकार 3 अलग अलग सुरंगों को क्यों खोदा है। जिस पर कि ब्लैक स्टाफ वह बोलता है, लगता है कि उस कमीने ने हमारे आने का पता पहले से लगा लिया था, इसीलिए जितना संभव हो सके वह हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनता हुआ ब्रांच लीडर एक होल के अंदर जाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अंदर जा रहा हूँ और उस कमीने को उसकी टांगों से पकड़कर खींचकर बाहर लाऊंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वह उसके अंदर जाने के बाद बोलता है, एल्डर यह सुरंग तो खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है कि हमें दूसरी सुरंग को चेक करना चाहिए, यह सुरंग थोड़ी ही आगे जाने पर खत्म हो जाती है। तभी एक और होल से एक बंदा बाहर आते हुए कहता है, इस होल का भी यही हाल है, यह भी थोड़ी दूर जाने पर खत्म हो जाती है। उन सभी की बातों को सुनने के बाद ब्लैक स्टाफ बोलता है, ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ते हुए पीछे की सुरंग को बंद करता हुआ जा रहा है। जिस पर कि कोई बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है। जो सुनता हुआ ब्लैक स्टाफ इस तरह की सिचुएशन के कारण काफी ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, एक ऐसा आदमी जिसके की गर्दन पर तलवार लटक रही है पर फिर भी वह इस तरह कैसे सोच सकता है, हम उसे अपनी मर्जी का करने नहीं दे सकते। मुझे बताओ नैनयांग ब्रांच से हमने कितने बारूदों को लेकर आए हैं? जिस पर कि उसे कोई बताता है, हमने अभी फिलहाल के लिए एक ही बक्से को लेकर साथ आए हैं, पर एल्डर आप इसका इस्तेमाल कहां पर करना चाहते हैं? तो ब्लैक स्टाफ किसी दूसरे बंदे पर चिल्लाते हुए कहता है, मूर्खो तुम लोग कहां पर घूम रहे हो, हमारे पास जरा सा भी समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, इसीलिए इधर उधर घूमना बंद करो और आगे बढ़ो। इसी के साथ वह अपने पैरों से जमीन को नापते हुए आखिरी में 20 कदम पर जाकर बोलता है, यहाँ पर एक लगाओ, अगर उसके जैसा स्ट्रांग आदमी और एक बच्चा सुरंग को खोदता है तो वह निश्चित रूप से यहाँ तक तो पहुँच ही चुका होगा। वहीं जमीन के नीचे देखते हैं मास्टर बोल रहा होता है, यदि तुम मलबे को पीछे नहीं धकेल पाओगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस पर कि चू बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर वह काफी ज्यादा थक चुका था। दूसरी तरफ जमीन के ऊपर सभी भिखारी बारूद को लगाने के लिए तैयार होते हैं और ब्लैक स्टाफ उन लोगों को बता रहा होता है, सभी बारूदों को अच्छी तरह से लगाना, याद रखना एक भी नहीं छूटना चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे पास जितने भी फ्लेयर है उन्हें भी लगा दो, वह हरामखोर यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। इतने सारे बारूदों को देखता हुआ उस कब्रिस्तान का केयर टेकर वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और तुरंत ही ब्लैक स्टाफ से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर यह बारूद फटे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, क्या तुम्हें पता भी है यहाँ जिन लोगों की कब्रें हैं, अगर उनके फैमिलियों को पता चलेगा तो परिणाम क्या होगा? क्या तुम्हें इन सब से डर नहीं लगता? तो ब्लैक स्टाफ
टापू से डराते हुए कहता है, यहाँ पर बकवास करने के बजाय तुम कब्रों से लाशों को निकालने का काम क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बारूदों के साथ वो लाशें भी उड़ जाए। इधर जमीन के नीचे मास्टर खोजते हुए बहुत आगे बढ़ गया होता है, लेकिन अपने पीछे इतने सारे मलबे को जमा हुआ देख वह चूहे से बोलता है, तुम कर क्या रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे मलबे जमा हो चुके हैं, जल्दी करो नहीं तो हम दोनों ही यहीं पर मारे जाएंगे। इतना बोलते हुए वह जैसे ही अपने पीछे देखता है तो चूहा अब बेहोशी की हालत में आ चुका था। उसमें जरा सा भी ताकत नहीं बचा था, जिसको कि देखता हुआ मास्टर भी परेशान होता है। जबकि ऊपर हम देखते हैं ब्लैक स्टाफ सभी भिखारियों को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, और कितना समय लगेगा जल्दी करो। वहीं जमीन के नीचे मास्टर चूहे से बोल रहा होता है, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग यहीं पर रुक जाए और गिव अप कर दे? जिस पर कि चूह वह कुछ भी नहीं बोलता है तो मास्टर उसे एक जोरदार झपाटे को लगाते हुए बोलता है, तुम छोटे कीड़े कहीं के खुद को संभालो, कब्र के अंदर तब जो तुम बहादुरी को दिखा रहे थे वह अब कहां गया है? क्या तुम्हें अपने बड़े भाई याद है? क्या तुमको नहीं लगता है कि अपने भाई के लिए तुम्हें लंबी जिंदगी जीना चाहिए? इतने खतरनाक मोटिवेशन को सुन चूह वह तुरंत ही अपनी आंखों को खोल लेता है। ऊपर उन भिखारियों ने सभी बारूदों को तैयार करने के बाद जमीन में लगाना शुरू कर दिया होता है, और आखिरी फेज बस फ्यूज को लगाना था। जबकि नीचे चूह मास्टर के मोटिवेशन के बाद उठते हुए बोलता है, मास्टर मैं होश में आ चुका हूँ। दूसरी तरफ सभी भिखारी अपने काम को खत्म करने के बाद ब्लैक स्टाफ से बोलता है, एल्डर हम तैयार हैं। तो ब्लैक स्टाफ उन सभी से कहता है, अब देर करना बंद करो और उन सभी को जला दो। वहीं नीचे मास्टर चूह से बोलता है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहीं पर रुक कर अपनी जिंदगी को दफना दो या फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। इधर ब्रांच लीडर बोल रहा होता है, सभी लोग जितना हो सके उतना कब्रों से दूर हो जाओ और खुद को बचाओ, एक्सप्लोजन होने वाला है। दूसरी तरफ जमीन के नीचे मास्टर की बातों को सुनने के बाद चूह बोलता है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको फॉलो करने वाला हूँ। तभी चूह को एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि हम देख पाते हैं जमीन के ऊपर वहाँ पर एक्सप्लोजन होना शुरू हो चुका था। इसी के साथ हर जगह बस तबाही तबाही होती है, जिसको कि महसूस करता हुआ ना ही चूह कुछ समझ पाता है और ना ही मास्टर, वह भी कंफ्यूज होता है। लेकिन उसी समय उन दोनों के ऊपर वाली जमीन के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इसी तरह उस पूरे कब्रिस्तान में पूरी रात एक्सप्लोजन होता है, और इसी तरह सुबह हो जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं उस जगह पर अब एक भी कब्र नहीं बचा था, पूरी जगह वह समतल हो चुकी थी। वही एक भिखारी बोल रहा होता है, एल्डर हमें कुछ मिला है, लगता है कि ये उनके बॉडी हैं। जो सुन ब्लैक स्टाफ और ब्रांच लीडर तुरंत ही उस ओर भागता है और उस लाश को देखते हुए कहते हैं, यह एक अडल्ट और एक बच्चे की लाश है, लेकिन एक्सप्लोजन के कारण इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, यही मौत एक असासिन को फिट करता है। तो ब्लैक स्टाफ उसे बताता है, अभी बहुत जल्दी होगी यह फैसला लेने में कि यह क्रिम्सन असासिन का बॉडी है। जिस पर की ब्रांच लीडर वह बोलता है, माफ करिएगा, लेकिन अगर यह क्रिम्सन असासिन का लाश नहीं है तो और किसका हो सकता है? तभी एक और भिखारी चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर जल्दी आइए, मुझे एक और लाश मिली है। तो ब्लैक स्टाफ और ब्रांच लीडर उस लाश को देखते हुए कहते हैं, नहीं यह भी नहीं है। वहीं ब्रांच लीडर वह बोल रहा होता है, हमने तो केवल एक ही कब्र को उड़ाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी सारी लाशें वह कैसे दफन हो सकती है? उसी समय एक और भिखारी चिल्लाता है, मुझे यहाँ पर एक और लाश मिली है। इसी तरह कई सारे भिखारी चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मुझे भी एक लाश मिली है। इस तरह के हबरादबरी को देखते हुए ब्लैक स्टाफ वह बोलता है, क्या ही बवासीर है, यहाँ पर कितने सारे लाश हैं। बाद में वह थोड़ी देर शांत रहने के बाद ब्रांच लीडर से बोलता है, ब्रांच लीडर ऐसा लगता है कि हमारा समय वह बर्बाद हो चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुन ब्रांच लीडर वह कुछ भी नहीं समझ पाता है तो ब्लैक स्टाफ उसे बताता है, डिसेबलोक्लो और गुचेंग वांगयांग हब्बू सभी रास्तों को सील कर दो, हम उन्हें झोंगटाई में ब्लॉक करके लोसान और डोंगचांग में जाने से रोक सकते हैं, साथ ही हम उन्हें टियानपिंग के अंदर ही पकड़ लेंगे। तो ब्रांच लीडर उससे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी गलती के कारण हो रहा है। जिस पर की ब्लैक स्टाफ उससे बोलता है, चलो चलते हैं, अगर अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इस मिशन से बाहर निकाल दूंगा। ब्रांच लीडर जिसको सुन अपने साथियों से बोलता है, चलो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। दूसरी तरफ उस तबाही मची हुई जगह के किसी कोने को देखते हैं, जहाँ से कि एक हाथ एकदम से ही बाहर निकलता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि मास्टर का होता है। वह उस मलबे के अंदर से किसी तरह बच चुका था और तुरंत ही बाहर आते हुए चैन की सांस ले ही रहा होता है, तभी उसे चूह की याद आती है। इसी कारण से वह तुरंत ही अपने आसपास की जमीन को खोदना शुरू कर देता है और चूह को आवाज लगाने लगता है। तभी उसे किसी की सिसकी भरी आवाज सुनाई देता है, इसी कारण से वह तुरंत ही उस जगह पर जाकर अपनी पूरी जी जान लगाकर जमीन को खोदने लगता है। बाद में हम देखते हैं चूह की हाथ वह बाहर निकलता है, जिसको कि पकड़ता हुआ मास्टर बड़े ही मुश्किल से चूह को उस मलबे के अंदर से बाहर निकालता है और उससे बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो चूह से बताता है, हाँ मास्टर मैं ठीक हूँ, ऊपर के सुरंग
के कारण मैं बच गया था। मैं बाहर तो तुरंत ही आना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ से सभी भिखारी जब तक नहीं चले जाते तब तक मैं अंदर ही रहूं तो बेहतर है। जो सुन मास्टर बोलता है, मैंने भी यही सोचा था, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जिस पर केचू हंसते हुए कहता है, क्या सच में मैंने अच्छा काम किया? तो मास्टर उसे बताता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही काम किया है। लेकिन उसी समय वे लोग अचानक से ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। बाद में जब ये लोग अपने पीछे देखते हैं तो दूर से ब्लैक स्टाफ और बाकी के भिखारी उन लोगों को चुपचाप खामोशी से देख रहे होते हैं, जो कि शायद अभी तक नहीं गए हुए थे। आगे एक आंख वाला भिखारी वह उन लोगों को देखते हुए कहता है, आखिर किसने सोचा होगा कि वे लोग यहाँ से सभी के चले जाने के बाद बाहर आएंगे। एल्डर आप बिल्कुल ही सही थे। बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, मुझे बताओ क्या तुम्हें क्रिमसन असासिन हो? जिस पर कि मास्टर उनसे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें इसका आंसर पहले से पता नहीं है? जो सुन एक आंख वाला भिखारी बोलता है, क्रिमसन असासिन तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर इनोसेंट गोची डिवाइन स्वॉर्ड को मार दिया, जिसके चलते मुरियम की पूरी राइटियसनेस वह हिल चुकी है। इसीलिए दसों सेक्ट के इस जगह पर बैगर यूनियन तुम्हारा खात्मा करेगा। तो मास्टर चू से बोलता है, यहाँ से भागना शुरू करो और पीछे मुड़कर मत देखना, क्या तुम समझ गए? इतना बोलते हुए जब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए पीछे हाथ बढ़ाता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पास तो स्वॉर्ड है ही नहीं। उसी समय वे भिखारी बोलते हैं, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा बची है? तो मास्टर उन लोगों से बोलता है, क्या मैं तुम लोगों से एक स्वॉर्ड मांग सकता हूँ? एक आंख वाला भिखारी जो सुनता हुआ जब ब्लैक स्टाफ की ओर देखने लगता है तो ब्लैक स्टाफ उसे बताता है, ऐसा लगता है कि वह असासिन सोल्जर के रूप में मरना चाहता है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास उदारता की कमी है, तो हाँ उसे दे दो। दूसरी तरफ मास्टर चू को समझा रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ समय को निकालता हूँ, इसीलिए इसे बर्बाद मत करना और जितना हो सके यहाँ से दूर भाग जाना। तभी उसके पास एक आंख वाला भिखारी स्वॉर्ड को फेंकते हुए कहता है, यह स्वॉर्ड ब्लैक स्टाफ की उदारता से तुम्हें दिया जा रहा है। इसी के साथ वह स्वॉर्ड सीधे मास्टर के सामने जाकर गिरता है। लेकिन चू वह घबराते हुए मास्टर से बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज एक साथ चलिए, अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ जल्दी निकलो, अभी समय नहीं है तुम्हारी बचकानी हरकतों के लिए, और अंत तक जिंदा रहना, तुम ये कर सकते हो। हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए था, पर जितना भी मैंने तुम्हारे साथ समय को बिताया वह बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनता हुआ चू वह बिल्कुल ही खामोश हो चुका था। उसी समय ब्लैक स्टाफ ऑर्डर देते हुए कहता है, अटैक करो, जिसको कि सुनता हुआ ब्रांच लीडर और एक आंख वाला भिखारी दोनों ही एक साथ मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को इस तरह आता हुआ देख मास्टर चिल्लाते हुए चू से बोलता है, भागो। वहीं ये दोनों बोल रहे होते हैं, क्रिमसन असासिन आज हम तुम्हारा सर धर से अलग कर देंगे। इसी के साथ वह एक जोरदार अटैक करता है, जिसको कि मास्टर किसी तरह संभालता है, पर चूंकि वे लोग दो होते हैं तो इस कारण से मास्टर को भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा होता है उन दोनों को एक साथ संभालने में, पर फिर भी वह किसी तरह उन दोनों को मैनेज कर ही रहा होता है। तभी एक बंदे की लात आकर उसे काफी जोरदार हिट करता है, जिसको कि देखता हुआ जब चू घबराते हुए उसे आवाज लगाता है तो मास्टर उस पर भड़कते हुए कहता है, तुम मूर्ख कहीं के, अभी तक तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? उसी समय उस पर एक और अटैक होता है, जिसको कि रोकता हुआ वह चू से चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी अपने मास्टर के ऑर्डर को सुनो और यहाँ से भागो। जो सुनता हुआ चू वह पूरी तरह से बेबस हो चुका था और ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे इस तरह भागता हुआ देख ब्लैक स्टाफ बोलता है, तुम सभी देख क्या रहे हो, जाओ और उसे पकड़ो, और हाँ उसे जिंदा वापस लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पर कि वे भिखारी वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, हाँ हम समझ गए। वहीं मास्टर पर अटैक करते हुए भिखारी बोल रहे होते हैं, यह अटैक उन फैमिलियों के लिए जो कि तुम्हारी वजह से सफर किए हैं, इसीलिए इसे एक्सेप्ट करो और अपने पापों का पश्चाताप करो। तभी मास्टर की नजर उन चू के पीछे जा रहे भिखारियों पर पड़ती है, जिसको कि देखता हुआ वह तुरंत ही खुद पर अटैक कर रहे भिखारियों को दूर करता है और उन लोगों की ओर जाने के लिए तैयार होता है। वहीं ब्लैक स्टाफ वह बोल रहा होता है, अपनी पूरी जी जान लगा देना उस चूहे को पकड़ने में, हमारे पास आराम से करने के लिए समय नहीं है। जो सुनता हुआ एक आंख वाला भिखारी बोलता है, क्या तुमने सुना, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर मास्टर उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए तुरंत ही उन भिखारियों की ओर भागता है और एक भिखारी को वहीं पर मार देता है। बाकी जब दूसरे को मारने के लिए तैयार ही होता है, तभी ब्लैक स्टाफ का वह डंडा उसे जोरदार तरीके से हिट करता है, जिसके कारण वह दूर जाकर उस बंदे से गिरता है। दूसरी तरफ ब्लैक स्टाफ अभी बच चुके उस बंदे से बोलता है, जल्दी निकलो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उस लड़के को मत खोना। वह बंदा जिसको कि सुन तुरंत ही वहां से निकल जाता है चू के पीछे। वहीं ब्लैक स्टाफ अभी भी बोल रहा होता है, सुचैन सुडोंग, तुम्हारी मूर्खता के कारण अभी एक डिसेबल मर चुका है, तुम लोग कब तक मुझे ऐसे ही निराश करते रहोगे? जिस पर कि एक आंख वाला भिखारी वह मास्टर की ओर जाते हुए कहता है, हमें माफ कर
कर दीजिएगा एल्डर, हमें इसके लिए बहुत दुख है, इसलिए अब इस बंदे को आराम की मौत देना वह बहुत गलत होगा। हम इसके हजारों टुकड़े करेंगे, वह भी धीरे धीरे। पर इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और भाई लोग क्या लगता है, मास्टर चू को बचाते बचाते यहीं पर मर जाएगा या फिर वह सर्वाइव करेगा? जल्दी से गेस करो और मुझे कमेंट में बताओ। जिसका कि कमेंट 50% सही होगा मैं उनको इसके अगले पार्ट में शॉर्ट आउट देने वाला हूँ, इसीलिए जितना हो सके सही गेस करने की कोशिश करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो।